নমস্কাৰ পি আই আপডেটলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ'ত মই জনক দাস। আজি পঞ্চম সংখ্যক দিৱসৰ উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰৰ নামত দুখন আয়ুৰ্বেদ প্ৰতিষ্ঠান উৎসৰ্গা কৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এখন গুজৰাটৰ জামনগৰৰ ইনষ্টিটিউট অৱ টিচিং এণ্ড ৰিচাৰ্চ ইন আয়ুৰ্বেদা, আনখন ৰাজস্থানৰ জয়পুৰৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ আয়ুৰ্বেদা। দুইখন প্ৰতিষ্ঠান ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিঙৰ মাধ্যমত শুভ উদ্বোধন কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। मैं वैद्य राजेश कोटेचा भारत सरकार आयुष मंत्रालय में सचिव हूं। पांचवें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। गुजरात एवं राजस्थान के राज्यपाल मुख्यमंत्री महोदय, गुजरात के उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्रीगण, दोनों राज्य के स्थानीय सांसद भी इस समारोह में उपस्थित है। साथ ही हजारों शुभचिंतक तथा स्टेक होल्डर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस समारोह में सम्मिलित हुए हैं। आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 से आयुर्वेद दिवस मनाना प्रारंभ किया था। यह दिवस धन्वंतरी जयंती को मनाया जाता है, जो कि भगवान धन्वंतरी का जन्म दिवस है और जिन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। आयुर्वेद दिवस आयुष क्षेत्र के लिए अपने को जनसेवा के लिए समर्पित करने का अवसर है। अब मैं माननीय श्री श्रीपाद यशो नाइक जी, आयुष मंत्री श्री को स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करता हूं। नमस्कार जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राजस्थान के राज्यपाल माननीय श्री कलराज मिश्र जी, गुजरात के राज्यपाल माननीय आचार्य देवव्रत जी, डब्ल्यूएच के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी, इस कार्यक्रम में जुड़े हुए माननीय संसद सदस्य, विधायक, जामनगर और जयपुर के महापौर, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधिकारी, पूरे विश्व से जुड़े हुए आयुर्वेदा के चिकित्सक, विद्यार्थी, औषध निर्माता और भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी का आज धन्वंतरी जयंती के पावन अवसर पर आयोजित इस पांचवें आयुर्वेदा दिवस में स्वागत करता हूं। पांचवें आयुर्वेदा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं आप सभी मान्यवरों का भी स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जामनगर स्थित पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद गुलाब कुंवरबा आयुर्वेद महाविद्यालय तथा आयुर्वेद औषधि शास्त्र संस्था, इन संस्थाओं के समुदाय को इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा के रूप में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का स्तर प्राप्त करने के लिए तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को डीनोवो कैटेगरी में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का स्तर देने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आपके करकमलों से इन संस्थाओं का आज नए रूप में लोकार्पण होने जा रहा है। यह देश के लिए आयुर्वेदा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाएगा। इस पहल से आयुर्वेदा की शिक्षा तथा संशोधन क्षेत्र में वृद्धि होगी। सम्माननीय, इससे न ही केवल जामनगर और सौराष्ट्र तथा जयपुर के निवासियों को लाभ होगा, लेकिन पूरे विश्व से आने वाले आयुर्वेदा के छात्र, संशोधक तथा आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए देश विदेश से आने वाले रुग्णों को भी सेवा लाभ होगा। आयुर्वेदा चिकित्सा पद्धति की अपनी एक विशेष विशेषता है, जिसके कारण न केवल रुग्णों को स्वास्थ्य उपलब्ध होता है, लेकिन साथ साथ अन्य कोई भी दुष्परिणाम नहीं होते। आयुर्वेदा की चिकित्सा अधिक खर्चीली नहीं है और आज इससे लगभग 5 लाख वैद्य पूरे देश में उपलब्ध है। सारी आयुष पद्धतियां मिलकर लगभग 8 लाख चिकित्सक आज देश में उपलब्ध है। आयुष चिकित्सा पद्धतियों का विविध राष्ट्रीय स्वास्थ्य उपक्रमों में अंतर्भाव होने से देश के सारे लोगों को कम खर्ची वाली चिकित्सा सहज उपलब्ध होगी। महोदय, वर्तमान स्थिति में पूरा देश तथा विश्व कोविड महामारी से जूझ रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। इसमें आयुर्वेदा और आयुष का महत्वपूर्ण योगदान है। आयुष मंत्रालय ने अथक प्रयास किया है, उसके परिणाम लाखों लोग स्वयं को स्वस्थ रखने में यशस्वी हुए हैं।
आयुष मंत्रालय ने कोविड के लिए आयुष पद्धतियों के द्वारा जो विविध उपाय योजना की है उसके परिणाम आधुनिक शास्त्रीय पद्धति के आधार पर जांचने की व्यवस्था करी है। मंत्रालय ने 112 जगह कुल 84 संशोधन प्रकल्प शुरू किए हैं, जिसमें से कुछ पूर्ण हुए हैं और अधिकतर पूर्ववत के मार्ग पर है। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली के माध्यम से 80,000 दिल्ली पुलिस के फ्रंटलाइन वॉरियर्स को आयुर्वेदा का सुरक्षा कवच देने का संशोधन प्रकल्प शायद विश्व का सबसे बड़ा जत्था हो सकता है। अभी तक से संशोधनों के आधार पर यह दिखाई देता है कि अल्प तथा मध्यम स्थिति के कोविड के रुग्ण आयुर्वेद उपचार से 2 से 3 दिन में स्वस्थ हो जाते हैं और 4 से 5 दिनों में लेबोरेटरी टेस्ट भी कोविड नेगेटिव हो जाती है। अन्य चिकित्सा पद्धतियों की तुलना में यह लाभ 2 से 3 गुना अधिक है। इन परिणामों से उत्साहित होकर मंत्रालय के अधिष्ठान संस्थाओं ने इन औषधियों के कार्ययुक्ता के ऊपर संशोधन शुरू किया है, जिससे हम यह जान सकेंगे कि वह आयुर्वेदा की दवाएं किस प्रकार से काम कर रही है और शरीर में इसकी पहुंच कहां तक है। इस अनुसंधान के लिए भारत सरकार के विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अधिष्ठित विभिन्न संस्थाओं के साथ सामंजस्य किया गया है और उसके सहयोग से यह अनुसंधान हो रहा है। आयुष की संस्थाओं ने आयुर्वेद में टेक्नोलॉजी की जोड़ने के लिए भारतीय तकनीकी संस्थान, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इससे भी सहयोग प्रस्तावित किया है। इन विविध प्रकार के पहल से हम आयुर्वेदा के प्राचीन ज्ञान को अत्याधुनिक तकनीकी जोड़ देने के प्रयत्न में है। इस उद्घाटन समारोह के पश्चात मंत्रालय ने कोविड-19 के लिए आयुर्वेद इस विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया है, जिसमें भारत के विविध वैज्ञानिक संगठन, आयुर्वेदा के संगठन तथा विश्व के हर खंड से अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि 8 देशों के अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन आयुर्वेदा के ऊपर उनके अनुसंधान प्रस्तुत करेंगे। हमें विश्वास है कि पिछले 6 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, आशीर्वाद से मंत्रालय ने जो अधिक प्रयास किए हैं उसके फलस्वरूप आने वाले दिनों में आयुर्वेदा को अधिक से अधिक देशों में मान्यता प्राप्त होगी, जिससे भारत का भी पूरे विश्व में सम्मान बढ़ेगा। अंत में मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस मंच को गौरवान्वित किया है। मैं राजस्थान के राज्यपाल, गुजरात के राज्यपाल, गुजरात के मुख्यमंत्री, इन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने आशीर्वचन से राजस्थान तथा गुजरात के दोनों संस्थाओं का और पूरे आयुर्वेद प्रेमियों का उत्साह बढ़ाया है। मैं सभी को एक बार पुनः साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आयुर्वेदा, जय धन्वंतरी, जय भारत। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संपूर्ण मानव जाति पिछले कुछ महीनों से इस महामारी से लड़ रही है, आयुष पद्धतियों ने भी इस लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि कोविड-19 का इलाज आना अभी शेष है, आयुष क्षेत्र में किए गए और किए जा रहे वैज्ञानिक अध्ययन से पता चला है कि इन पद्धतियों में बताए जाने वाले उपाय निवारक उपायों के रूप में अत्यंत कारगर है। आयुष उपचार से कोविड के लक्षणों की गंभीरता कम करने में भी मदद मिलती है, जिससे अस्पताल में रहने की जरूरत कम पड़ती है तथा कोविड के दुष्प्रभावों से निजात पाने की प्रक्रिया में तेजी आती है। आइए अब हम कोविड-19 के संबंध में आयुष उपायों से संबंधित वैज्ञानिक अध्ययन के बारे में एक लघु फिल्म देखें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिग्दर्शन में आयुष मंत्रालय ने कोविड-19 रिसर्च के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। कोविड-19 की इस लड़ाई में सहयोग के लिए आयुष मंत्रालय ने 7,99,000 आयुष चिकित्सकों की मदद से आम आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया। इस कठिन समय में आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सेल्फ केयर एडवाइजरी, गाइडलाइंस फॉर प्रैक्टिशनर्स और नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एवं पोस्ट कोविड मैनेजमेंट गाइडलाइंस बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा ने आम जनता को स्वस्थ रहने में मदद की। आयुष मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आयुष संजीवनी मोबाइल ऐप
लोगों के बीच आयुष संबंधित स्वीकार्यता तथा उपयोग के साथ साथ कोविड 19 उन्मूलन में इनके प्रभाव से जुड़ी जानकारियां जुटाने में सहायक सिद्ध हुआ है। इस ऐप के माध्यम से कुल 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों की प्रतिक्रिया मिली है। इनमें से 85.1% प्रतिभागियों ने की सूचना दी है जो जन सामान्य में आयुष पद्धतियों की स्वीकार्यता को प्रतिबिंबित करती है। भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता के साथ मिलकर शासन प्रशासन लड़ रहा है। इस समय दुनिया भर में भारत के आयुर्वेद और योग के महत्व को भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं। हम अपने देश की अच्छी बातों को एविडेंस बेस्ड रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाय उसे छोड़ देते हैं। भारत की युवा पीढ़ी को अब इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। जैसे विश्व ने योग को सहज स्वीकार किया है, वैसे ही हजारों वर्षों पुराने हमारे आयुर्वेद के सिद्धांतों को भी विश्व अवश्य स्वीकार करेगा। कोविड 19 के प्रबंधन में वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा आयुष की भूमिका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिद्ध करने के लिए ICMR, एम्स, DBT, CSIR जैसे अनुसंधान संस्थानों की सहभागिता से एक टास्क फोर्स का गठन किया गया। इसी आधार पर 4 अलग अलग रसायन औषधियों यथा अश्वगंधा, यष्टिमधु, गुडची, पिप्पली और एक पॉली हर्बल फॉर्मुलेशन का रेंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स बड़े स्तर पर किया गया है। आयुष के अंतर्गत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थान के 112 केंद्रों में कुल 84 अनुसंधान परियोजनाएं प्रगति पर हैं। होम्योपैथी दवा आर्सेनिकम एल्बम 30C, सिद्ध पारंपरिक पद्धति वर्णित औषधि कबसूर कुडनीर एवं यूनानी दवाओं पर भी प्रोफिलैक्टिक अनुसंधान प्रगति पर हैं। आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने के लिए IPGTR&A जामनगर और गुजरात सरकार द्वारा धन्वंतरी रथ योजना की सेवाएं शुरू की गई हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली द्वारा 80,000 दिल्ली पुलिस कार्मिकों के लिए आयु रक्षा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें उनके व्याधि क्षमता को बढ़ाने के लिए आयु रक्षा किट प्रदान की जा रही है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक दिल्ली पुलिस कर्मियों में कोविड 19 की घटनाएं और मृत्यु दर में काफी कमी दर्ज की गई है। मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय संस्थान जैसे IPGTR&A जामनगर और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली आदि में कोविड 19 हेल्थ सेंटर की स्थापना की गई। एक ऐसे मुश्किल वक्त में जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने घुटने टेक दिए, भारत कोविड के खिलाफ लड़ाई में दूसरे देशों के सामने नजीर बनकर खड़ा रहा। आयुष मंत्रालय आयुर्वेद के प्राचीन तरीकों को वैज्ञानिक कसौटी पर सिद्ध करने के लिए कटिबद्ध है। वो दिन दूर नहीं जब पूरा विश्व आयुर्वेद के वैज्ञानिक आधार को जान लेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद समन्वित हो जाएगा। धन्यवाद। यह हमारा सौभाग्य है कि आज राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हमारे साथ हैं। इस अवसर पर अपने विचार साझा करने के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री श्रीपद नाइक जी, राज्यपाल राजस्थान आदरणीय कल्याण मिश्र जी, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस जी, गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी जी, NIA जयपुर के निदेशक संजीव शर्मा जी, जामनगर संस्थान के डायरेक्टर साहब और तमाम पदाधिकारीगण, मुझे खुशी है कि आज इटरा जामनगर को इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देना व NIA जयपुर को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने का समय चुना है आपके मंत्रालय ने। एक तो भगवान धन्वंतरी जी के आयुर्वेद जनक थे, उनकी जयंती भी है, और दूसरा जो कोविड का 19 का जो असर है पूरे देश और विश्व के अंदर, उस दरमियान में इन दोनों संस्थान के बारे में जो आज नई सोच पैदा होगी वो अपने आप में इस बात का प्रतीक है कि कोविड 19 के अंदर भी
आयुर्वेद की क्या भूमिका हो सकती है, आयुर्वेद का क्या हमारे मुल्क के लिए बहुत प्राचीन काल से ही है, और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो जयपुर में है इसका इतिहास 175 साल पुराना। 175 ईयर के पहले 1845 के अंदर जयपुर में बाईजी के मंदिर में शुरुआत हुई और 46 के अंदर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बनाई और 76 के अंदर इसको केंद्र सरकार ने राजस्थान के अंदर इसकी जो एक्टिविटी थी इसका जो प्रभाव था उसको देखते हुए इसको राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का दर्जा दिया। तब से लगातार राजस्थान में आयुर्वेद को लेकर के जो कुछ भी संभव होता था लगातार पूरा महत्व दिया जाता था। अब जो आपने आज फैसला किया डी यूनिवर्सिटी का, उसके बाद में अब ये यूनिवर्सिटी के रूप में अपना सेलेबल बना पाएगा, रिसर्च हो पाएगी, जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता भी श्रीमद पादे जी कह रहे थे, इंटरनेशनल स्कोप बढ़ेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में जो नेटवर्किंग हमारी है वो इस रूप में बनी हुई है कि चारों ओर आयुर्वेद हो, चाहे यूनानी हो, होम्योपैथी हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, योग हो, इसको हमेशा राजस्थान सरकार ने महत्व दिया है। और इसी कारण आपको जानकर खुशी होगी